तो और भाई लोग क्या हाल चाल है। तो आ चुके हैं नए गेम प्ले के साथ वापस। और गाइस आज डुओ का मैच खेल रहे हैं और समझ रहे हो, डुओ खेलने के बाद हम ओल्ड वैसिन ही उतरते हैं, क्योंकि जो है ना अक्सर जो है प्लेन पास जो है ओल्ड वैसिन के साथ से ही गुजरता है। तो हमने कहा भाई उतर लो, 15-20 स्क्वाड आएंगी बचा देंगे। लेकिन आती भी हैं स्क्वाड, ऐसी बात नहीं है, सॉरी डुओ आती है। तो हमने गलती से प्लेन में ना बोला कि भाई ओल्ड वैसिन में लंगर बट रहा है, भाई पूरी की पूरी लॉबी यहीं पर आ जाती है और हमको एक एम मिली गई है, तो पॉलिश करेंगे नहीं इसको हम। बस हेलमेट मिल गया है, रश करके बजाते हैं बंदे। वो क्या है ना, मेरा इंटरनेट आज थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, नशे में नहीं है भाई। मैंने आज इसको ड्रिंक करने ही नहीं दी तो इसलिए ये नशे में नहीं है, नहीं तो भाई क्रेट हमारी ही बनती है। तो अपने टीममेट को गन दान पे देते हैं क्योंकि भाई हम पैसे नहीं लेते। तो अपने टीममेट को गन दे दिए हैं, अब बंदे भाई कैम कर रहे हैं और देखो अभी कैसे बजाते हैं। चचा को लगता है इनको कोई देख ही नहीं रहा है, ये लो। और सामने वाली बिल्डिंग में इसका टीममेट कैम कर रहा है, तो पीछे से बोटा भाई आते हैं, तो हमने कहा थोड़ा सा इग्नोर कर लें इनको। तो ये बंदा जो है ना ये गेट के पास कैम कर रहा था, सॉरी टीपीपी ले रहा था, तो हमने कहा तोड़ ही दे भाई इसकी टीपीपी। लेकिन भाई ये भी ढीट एक नंबर है, नीचे आके टीपीपी लेने लग गया। तो हमने एक सुतली बम निकाला, लेकिन भाई कुछ नहीं होता इससे, वो कभी कभी हम मजाक कर लेते हैं भाई, नेट हमारा भी तुक्का लग जाता है। तो बजा दिए भाई एक टीम को, तो अभी और भी टीम बची हुई है। तो पहले अपने टीममेट को रिवाइव करते हैं फिर उनको देखते हैं। तो हमारे टीममेट पे हीलिंग नहीं रहती, हमने कहा भाई हमको फ्री में मिल गई थी और बंदे डैमेज भी नहीं कर पाए, तो ले लो सर, जब कभी काम आएगा तो हमको भी दे दियो। तो टीममेट से बात सब कुछ हो जाती है कि भाई ये हीलिंग मिलेगी मुझे देना, वो मिलेगी तुम्हें देंगे हम, तो सब कुछ सेट है। लेकिन अब आगे जो बंदे बचे हैं तो उनको ज़रा देख लें भाई, नहीं तो पता चला जो है हम चिकन के चक्कर में बैठे हैं, वो हमारी क्रेट बना दें। कहा गाइज ना हमको भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो चिकन भाई चाहिए ही चाहिए, कुछ भी कर लो बस चिकन हमको चाहिए। तो बोटा भाई की क्रेट से जो है, सॉरी ये रियल बंदे रहता है भाई, तो इसके क्रेट से हम इन्फो चोरी कर लेते हैं। भाई ये चोरी नहीं है, सच बताएं तो हमने क्रेट बनाया था, तो हक बनता है भाई लूटने का। तो सामने कुछ बोटा भाई रहता है, तो चल के केडी मेंटेन करते हैं भाई, क्योंकि केडी मेंटेन करने में ना हम पीछे नहीं रहते गाइस। 0.8 की केडी है भाई बोटा दादा से मेंटेन हुई है, तो मेरे पे थोड़ा जो है ना लूट नहीं थी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो हमने कहा लूट ही ले भाई। तो हम जब लूट ही कर रहे होते हैं ना तो यहाँ पे कुछ पदाड़ी आ जाते हैं, तो भाई उनसे भी मिलते हैं। तो स्पीड हैक लगा लें भाई फिर लूटें, ताकि फटाफट टीममेट से पहले लूट लें हम। तो सामने बोटा भाई आ गए हैं, लेकिन हम इनको फिनिश नहीं करेंगे। हमने अपने टीममेट से कहा भाई अगर दो बोटा भाई आएंगे तो एक तुम मारना एक मैं मारूंगा, दोनों की केडी मेंटेन होगी। तो मेरे टीममेट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो समझ रहे हो बजा दिए इन वाले बोटा भाई को। तो अभी यहाँ पे ना एक बग्गी गुजरेगी, ये लो भाई नाम लेते ही चले आते हो, मतलब इतना कैसे रहते हो भाई। तो हमने थोड़ा सा फायर करके इनको बताया कि भाई हम भी बैठे हैं आके हमसे थोड़ा मीटअप वोटअप कर लो, हमने कभी मीटअप नहीं किया है। तो वो जो है ना बहुत अच्छे बंदे रहते हैं, सच बताया गाइस ऐसे बंदे कभी नहीं मिलते, मतलब भाई बंदा आया सीधा जो है ट्रिपल स्टोरी पे चढ़ गया और वहाँ से नेड़बाजी कर रहा है। तो हमारे पास भी सुतली बम रहता है, हम भी ट्राई करते हैं, लेकिन अगेन भाई कुछ नहीं उखाड़ पाते हम, क्योंकि बोटा भाई के नेट लग जाएंगे लेकिन हमारे नहीं लगते। और ये भैया जी फोटो खिंचवाने खड़े हैं, तो फाइट के मजे लो फिर बताना कैसा था फाइट। सच बताया गाइज ना हम इन बंदों पे पुश कर देते, लेकिन भाई ये ऐसे एंगल पे थे ना कि हम जब जाते ना तो ये हमको घुटनों पे नहीं लाते, सीधा नॉक करते, सीधा क्रेट बनाते। मेरे टीममेट को पता भी नहीं चलता कि कब हमारी क्रेट बन गई। हेलो भाई ये बन रहा है स्पाइडरमैन, क्या गुंडा बनेगा भाई तू, मतलब सच बताएं गाइस
इस बंदे को मतलब क्या लगा, मैं डैमेज कर रहा भाई, तुम काहे कूद रहे हो, चल कूद करोगे तो घुटनों पे आओगे भाई, उतनी ऊपर से जंप करने के बाद पैर ही टूटेंगे ना भाई, तो आगे से ऐसा ना करियो सर। तो अब इसका टीममेट भाई काफ़ी गुस्से में है, ऊपर से आँख फाड़ फाड़ के देख रहा है, मेरी थोड़ी सी फट रही है लेकिन हम पुश नहीं करेंगे, तो भैया जी खुद ही पुश कर देते हैं, तो देखो कैसे बजाते हैं इनको। लॉबी में ऐसे ऐसे बंदे मिलते हैं भाई, ऐसी जगह चूज करेंगे ना जहाँ पे मतलब बंदे रश करने से भी पीछे हटते हैं भाई, एक टीम को मारने में पूरे के पूरे 10 मिनट चले जाते हैं, उतनी देर में लॉबी खाली हो जाती है। नहीं भैया तुम भाग लो, किल तो देना नहीं है, मतलब इतनी मेहनत करके हम बैठे पड़े हैं, तुमको फिनिश करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करें और तुम भाग रहे हो यार, ये गलत बात है भाई, मतलब डैमेज हम करें किल दूसरे को दे दो। तो सामने बोटा भाई आ जाता है, वो सॉरी हमको बहुत गिल्टी फील हुआ ना, वो वही सब कुछ सुने तो बोले भाई आ जाओ हम किल दे दे रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है सर, उस बंदे को नहीं मार पाए तो आप ही को बचा देते हैं। तो अब यहाँ पे कोई रहता नहीं गाइस, ये बंदे जो है ना भाई काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं हमारा, जब फाइट ही नहीं लेना भाई निकल जाते। नहीं एक तो आया लेकिन दूसरा भग गया, तो वहाँ पे कोई रहता नहीं, हम चले आते हैं भाई, और ये वही भग गया गाइस जो वहाँ से लेके बंदा भगा था, यहाँ आके किल दे दिया, मतलब भाई हम क्या बुरे लोग थे जो हम डैमेज कर देते, हम ही को किल दे देते, 0.19 की केडी हो जाती हमारी। लेकिन नहीं भाई बंदे कहाँ सुनेंगे, भला तो करेंगे नहीं हमारा तो बुरा ही कर देते हैं। तो सामने एक टीम रहती है ना जिसके पास भाई AWM प्लस 6x सब कुछ रहता है, तो तुम्हारे भाई की AR रहती है तो टपली अंदर करके फायर करते हैं, नहीं तो फूट गई कभी पीछे मेरा टीममेट बैठा पड़ा है वो भी कवर दे नहीं पाएगा क्योंकि ओपन में है, तो इसीलिए हम थोड़ा सेफ जो है इससे फायर कर रहे थे, और गाड़ी जो है ना डैमेज कर देते ताकि अगर लेके भगे 2-3 बुलेट मार के किल चोरी कर ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उनको फाइट तो मुझे दो भाई। ठीक है उसका दूसरा भी बंदा आ गया, एक भाग रहा नदी की साइड, अबे तेरे साइड है यार, तेरे साइड पानी में एक जम कर एनिमी बहुत लो है मार सकते हैं, छोटे वाले घर के कवर में गया लेट गया अंदर गया, तो एक देख सुन एक छोटे वाले घर टीममेट से बोलता हूँ भाई तो पीछे रुकियो, मैं इन बंदों को फिनिश कर रहा, अगर कोई मेरे साइड ओपन में आया तो बैक कवर दियो फायर करियो पीछे से और मेरे को कॉल भी दियो कि बंदे किस साइड है, तो ये ट्रिक अपनाया करो गाइस, इससे बहुत इजीली तुम कॉल कर सकते हो। तो चचा जो है ना विटामिन सी लेके आ रहे थे तो उनकी HP जो है काफ़ी फुल थी, तो 2-3 बार से बजा देते हैं, और देखो भाई ये बंदा काफ़ी जहर खेल रहा था, बजा देते हैं, फिर अब इनको लूट के ना निकलते हैं क्योंकि साइड कोई नहीं है, अब जितनी भी टीमें बची पड़ी हैं वो टोटल सेफ जोन में हैं, तो लूट कर लें निकल लें पहली फुर्सत में। चल उसी पार से मैं भी आता हूँ थोड़ा ले लूँ सामान वगैरह क्योंकि चलना तो उसी पार से मार भी आता है, हील कर हील कर। तो हम गाड़ी लेके यहाँ आ जाते हैं भाई, जब हम वहाँ से निकल रहे थे ना तो लॉबी में 9 बंदे अलाइव थे, लेकिन हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते भाई हमको लेके 6 बंदे बचे, मतलब देख रहे हो टाइम वेस्ट है, और भाई ये सबसे टॉप क्लास के कैंपर थे, मतलब गाड़ी लगा दिए और गाड़ी को डैमेज भी कर दिए ताकि अगर कोई बंदा रश करे
तो शॉर्ट गन बजा के भाई किल ले लेंगे। मेरा टीममेट गाड़ी के पास जा रहा है, मैं बोलता भाई निकल ले वहाँ से, वरना वो गाड़ी छोड़ देंगे, पेट से भी बन जाएगी। तो इनको थोड़ा ट्रिक लगा के बजाते हैं, क्योंकि भाई ये बंदे वर्ल्ड के टॉप क्लास के कैंपर हैं। एनिमी नहीं, तुमको क्या लगा भाई तुम ही शॉर्ट गन चलाना जानते हो। लेकिन कभी कभी क्लच हम भी कर देते हैं 1 HP पे, तो भाई बुरा ना माना करो, बस किल दे दिया करो। तो अब जो है ना इन दो को फिनिश करने में भाई मेरी बहुत फट रही थी जब ये शॉर्ट गन मार रहे थे, हमको लगा कि बस भाई गेम गया अपना, लेकिन तुम्हारा भाई क्लच यूँ करके निकल जाता है। तो क्या है ना, तारीफ करने में हम पीछे नहीं रहते, तो हमने कहा भाई कर लेते हैं थोड़ा सा, कोई करता ही नहीं है। तो अब लास्ट का बंदा बचा पड़ा है भाई, वो विटामिन सी ले रहा है। वो क्या है ना, जब हम यहाँ पे फाइट ले रहे हैं तो पीछे नेट फूट रहे थे, तो इसकी लोकेशन हमको कंफर्म हो गई कि ये किधर है, लेकिन भाई ये कितना गंदा काम बनेगा हमको पता भी नहीं था। तो मेरा टीममेट बताता है कि सामने है, लेकिन भाई उसको भी लोकेशन कंफर्म नहीं था। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में यही था, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करना।